जागरूकता दिवस के मौके पर अपने विचार साझे करने जा रहा हूँ। दुनिया भर में हर साल 15 जून का दिन वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास मकसद ही है बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उन्हें जागरूक करना और इसे रोकने के प्रयास करना। आजकल कई ऐसे मामले सुनने को मिलते हैं जहां लोग बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, उन्हें ओल्ड एज होम में रहने के लिए भेज देते हैं और भी कई तरीके से परेशान करते हैं, जो कि बहुत ही दुखदायी है। पहली बार ये दिन 15 जून 2011 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 66/127 को पारित करके इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज के अनुरोध के बाद आधिकारिक रूप से वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाने की मान्यता दी थी। 2023 के सेंसस के दौरान ये पता चलता है कि पूरे भारत में ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों का आंकड़ा कुल 1,80,00,000 है, जिसमें से सबसे ज्यादा बुजुर्गों की गिनती केरला में पाई गई है। भारत में कुल 728 ओल्ड एज होम है, जिसमें से केरला में 124 ओल्ड एज होम है और इनकी गिनती की बढ़ोतरी ज्यादा दिखाई दे रही है। संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से दुनिया में हर 6 में से 1 बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार होता है, जो वाकई दुख की बात होने के साथ साथ शर्मनाक भी है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसे मामले घटने के बजाय बढ़ेंगे ही, क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि वो अपनी लाइफ में किसी की दखलंदाजी नहीं चाहते, चाहे वो उनके अपने ही माता पिता क्यों ना हो। अनुमान है कि ये आंकड़ा आगे बढ़ता ही जाएगा। इसके तहत उनके साथ शारीरिक, मानसिक आदि हिंसा शामिल है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को बुजुर्गों के प्रति अच्छा व्यवहार, उनकी बेहतर सेहत, सामाजिक, आर्थिक और दूसरी कई तरह की समस्या और जरूरत के प्रति लोगों में जागरूकता करना है। अंत में यही कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों की भी अजीब कहानी है। न खाने को रोटी, आंखों में बस पानी है। शरीर के हाथों हारे ये मन के जवान है। घर के बुजुर्ग जरूरी है, क्योंकि ये इस घर के मेहमान है, क्योंकि ये इस घर के भगवान है। धन्यवाद।